અને મેં સોચ્યો મારા મનમાં આ મેં સોચ તો જાય જામર દિમાગ અગવાઈ તને મને સોચ્યો ભાઈ ઠીક લગા લે ગાડી ભી લગા લીએ હોટલમાં બહુ સાફ ઉતરો તો થઈ ચાલે મેં ખાણા વાણા બઢિયા दो चार पांच किलोमीटर में भी रुक जा तो फोन की भी आवाज आती माथा का जवान जा तो लियो गाना चल रहा साहब को सामने बढ़िया फर्स्ट क्लास कोई दिक्कत ही साहब भी नहीं ताड़िया बजा रही पाता साहब रुकायो भी दो चार जगह रेक सी जगह सड़ा आप ऊंडा सुबह फलो दीजिए ना जिंडा सुबह साहब ने कोई देख रहा साहब छह कुंडा छोई रास्ता यार बैठ साफ कड़ा तू को कौन जाने जा बैंक मैनेजर चे साहब के तो पसीना आ गया तड़े ऊपर पुलिस आया साहब कितने दूर पाए तो 20 किलोमीटर दूर तो बाहर दिए फिर ये तो गया जोधपुर साहब साहब ने पुलिस वाला आके तो भैया कैसे खड़ा है पुलिस वाला पूछे साहब ने साहब को पकड़ो पुलिस वाले ने पकड़े यार घूम वाला पांव के रोड पे कैसे खड़े हो रात के सर ये बात हो गई बल्कि वो चाणे हो भाई डिसिप्लिन अच्छा यार साहब को चश्मा उसमें दिया मेरे सर मेरे साथ ऐसा सो हुआ है टैक्सी ड्राइवर था तो मैं विंडो में था क्या पता क्या हुआ चला गया मोबाइल साथ में पुलिस वाला मोबाइल खुद का नंबर खुद का मोबाइल फोन कर दो चार किलोमीटर गाड़ी फलो दी पाचे को देखो तो साहब ने फोन आयो अरे कृष्ण मेरे को कहाँ छोड़ गया भाई मुझे साहब तोड़ तो थे क्या तो बताओ अरे यार मैं ऐसे ऐसे हूँ एक डिवाइडर सा मुझे पूरा रोड माले जो डिवाइडर तो कदे जाओ तो कोई ऐसी डिवाइडर सा रोड रुको कहते यार कैसे अब पता कैसे चले भाई रह तो गया जो तो रहेगा ते मुझे कोई शक्की को नहीं बल्कि आप ते मलो कहे मुँह भाई तागन फोन को नहीं जेर लियो आप मुझे ते अब मुझे यह समझाओ अगर रह आओ कसी होटल पर तो भाई गाड़ी भी दो तीन जगह रोके तो मैं कन्फर्म को नहीं अब भाई आप वही होटल वाले चला कहते यार ऐसे रहते हर कचारे पुलिस वाले जा रहे हैं मुझे तक इनको तोलियो हो अच्छा कहीं मैं कंवार पास हम बता रहे तो मुझे मारे तो पार्किंग लाइटा चढ़ाओ तुम गाड़ी अरे मुझे थे को तोलियो कहते मेरे पास रुमाल ही है बड़े दिन याद कर कहते मेरे पास रुमाल ही है कहते तो मुझे रुमाल ही तैयार रखो तो मुझे थे रोड मार ले अहिया कर पाते हो पार्किंग लाइट तो मैं था नहीं सारा समझ जाऊंगा अपना सारा भी हाँ हाँ बोले बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट बोले मैं कर रहा हूँ आधे घंटा नहीं चौधार उंडा होगा जरा सोच आठ करता रोड मारा साथी जी लपटा देता साफ फिर रोड से दूर बाहर फिर आ जाओ अरे मेरे कहा छोड़ गया था तू बहन तो फोन भी रह गए वो रह गया सर्किल के नाम तो सारी राहत कर दी फड़ोदी के आस पास कोशिश कर
यार वो छोभी आदमी बढ़िया है ना यार, रोयल आदमी अच्छा कौन तो नहीं था भाई साहब। फिर दोबारा था ना दोबारा जो गाड़ी बुलाए ना तो कृष्ण को भेजना, कृष्ण नहीं गयो कोटा जा रहा है जो गाड़ी सेम डे बजासु है। अरे मैंने देखता है आ भाई गुजरे क्या चढ़ा हुआ था पर कोचा क्या इधर है पहली बात मस्त करे था भाग लो ना एक बेर पियो एक बेर न पियो ना उतरा तो गाय रहा है उतार यार फोन कर तो मेरे को 25 लाख का कतार में चाहिए 80 लाख का कतार में चाहिए मैं साले को वैसे कर दूंगा वो कर दूंगा ये कर दूंगा मैडम ने एकदम की देर सी और भाई मीटिंग में ऐसा बोलता है उस बंदे का बैंड तो रोल देख लेन मीटिंग में 60 आदमी बैंक वाले टाई लगा लगा रहे खच रहे हैं खड़ा रहे आपने ले रखो वो जियो भाई कृष्ण मैं तो बियर पी रहा हूँ चाय पी ले या कॉफी पी ले तुम यार मुंड तो अपन कर आगे तो बोलियो चाय आप चाय भी को पी आगे तो फिर कहा हाँ भाई साहब मैं शाम में साफ खाई जाते थे तो रहने दिया खाना होना कृष्ण माँ छोट कर अच्छा सा खाना एकदम बेस तू लगा लगो खाना कहते यार भाई एक बिस्लेरी की बोतल लेके तो तू फटाफट मेरा जी घबरा रहा है कहते तू बिस्लेरी की बोतल तय मारा के जम मारा के जम उस साहब ने तुम खुद मुँह मार चुका ये 40-50 नुकसान में समझ गया है ना पानी पानी पाए और कहते सुनी की माँ चौदह का देखिए जूते आई चलो ना मैं फसीनो फसीनो खींचू रहा है ना फसीनो फसीनो खींचू तो सामने भाई का आप मार गया रेमी कर को है ना वो मुने थप्पी से अरे कृष्ण तू क्यों टेंशन ले रहा है क्यों घबरा रहा है माँ चौदह ये जो होगा सुन नो टेंशन खाना खाना मस्ती से कितना टेंशन ले रहा है माँ चौदह जिंदगी ऐसे चलेगी जूठ है उनके सामने था रेमी सी को बोला बोला मैं शरीर है बड़ा मूंडो कटोरियम कहीं दही गाल रही तू बटो कचोड़ो लिया अरे तू आबत कहीं भूख लाग रही मुका खाई लग बैठ गया छात वात अच्छी है क्या बोले हाँ है वो दो गिलास छाछ का दिया बोले 15 रुपये गिलास दे रहा भी पूछ रहे छाछ का गिलास दो साहब अतराम का सिगरेट विगरेट भी बोलो मुँह उठा रगड़ रगड़ू साहब बोलो तैयार है कोई दिक्कत नहीं मैं तो लिया तुम उन्होंने पूछ मुँह बोलो साहब चले जाओ तुम यार रुतवा साहब बोलेगा यार अब तो तेरे मुँह से आ गई बल्कि बोले भाई साहब तेरे साथ बैठने से पहले एक बात कहूँगा बोले भाई साहब मैं मुँह तो नहीं उतरूंगा जब तू साहब को कोई कुछ बीमारी ठीक है रात का फोन करता मुँह तो बोले मैं बाथरूम करने उतरूंगा उस टाइम तू पहले गाड़ी बंद करेगा और मेरे साथ साथ उतरेगा बोले मुझे ठीक साहब अब मुझे सुनो साहब मैं बताओ था नहीं सुनो गाड़ी वाड़ी वहाँ से उतर वही बात है ऐसे अब ते यह फाटक इंजन खुल्लो छोड़ देगा पेशाब कर बजाओगे तो यह खुल्लो छोड़ जाएगा तो मैंने अनुभव बोले कैसे मैं पाचन को जाऊँ कुछ गाड़ी चलाऊ पाचा को यह गिलास ही रेच जीने में सारा उल्टो कर गया तो पड़े तो उन्हें जा तो मुको आगन मार कर बत्ती जड़ा चू चू करती रहेगी सर नई गाड़ी हम करे तो पट खुल्लो रह जाए तो मुँह में पकड़ कर लूंगा साहब रहेगा थोड़ा तो भाई साहब थोड़ा भी मुँह में जान तो दो बार पट खोल जोधपुर।